कहां तक पहुंचो सर अभी कर रहे हो। तरीका ये होता है कि हर चीज का जो ना एक अलग चॉपिंग बोर्ड रखते हैं ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए, राइट? उसमें क्या होगा, व्हाइट सबसे पहले, ये बच्चा खड़ा है व्हाइट, व्हाइट से होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, चीज वगैरह जो भी है इस व्हाइट चॉपिंग बोर्ड के ऊपर करेंगे, राइट? उसके बाद ये दूसरा बच्चा हमने खड़ा किया है, ब्लू कलर दिया हुआ, ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड है और इसको सी फूड, क्योंकि समंदर का जो कलर जो होता है वो ब्लू होता है और समंदर के कलर ब्लू होता है, इसलिए हम चॉपिंग बोर्ड का कलर भी ब्लू रखते हैं ताकि ये ब्लू चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग करे। तीसरे नंबर पे हमने इस बच्चे को खड़ा किया हुआ, ये कर लेगा चिकन की कटिंग। चिकन के लिए हम येलो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, येलो चॉपिंग बोर्ड क्योंकि चिकन का कलर थोड़ा येलोविश होता है। समझ लग रही है यहां तक? यस सर। डेयरी, सी फूड, चिकन और ये तीसरे चौथे नंबर पे जो बच्चा खड़ा है इसको हमने दिया हुआ है ग्रीन चॉपिंग बोर्ड। ग्रीन चॉपिंग बोर्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल के लिए होता है। समझ लगी? उसके बाद हमने लास्ट इस बच्चे को खड़ा किया है पांचवें नंबर पे, इसको हमने दिया हुआ है रेड चॉपिंग बोर्ड। रेड चॉपिंग बोर्ड का मतलब क्या है? रेड मीट। ठीक हो गया? Yes, तो ये हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक बीमारी होती है जिनको एलर्जीज होती है। ठीक हो गया? किसी को चिकन एलर्जी होती है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, किसी को सी फूड से एलर्जी होती है, किसी को पता नहीं किस चीज से एलर्जी होती है। ठीक हो गया? तो उन चीजों की क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए, क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए हम अलग चॉपिंग बोर्ड, कलर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ लग रही है यहां तक? Yes, और ये आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट भी करना है इंडस्ट्री में, ये इंप्लीमेंटेशन लाजमी है। ठीक हो गया? Yes, ताकि आप ये ना हो कि ब्लू चॉपिंग बोर्ड पे चिकन काट रहे हो, रेड के ऊपर सी फूड काट रहे हो या व्हाइट के ऊपर आप चिकन काट रहे हो। ये क्या है? ये टोटल गलत है। ठीक हो गया? कलर का बहुत ज्यादा ख्याल करना, व्हाइट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्लू फॉर सी फूड, येलो फॉर चिकन, ग्रीन फॉर वेजिटेबल एंड रेड फॉर रेड मीट। ठीक हो गया? Yes, तो ये है आज का हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के तरीके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्दियों में हम एक सूप बनाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, 19B। 19B सूप एक बहुत जबरदस्त सूप है जिसके अंदर बीफ भी डलता है, चिकन भी डलता है, सी फूड भी डलता है, वेजिटेबल भी डलता है और दूसरी काफी चीजें डलती है ताकि एक बंदे को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको वेजिटेबल भी चाहिए, स्टार्च भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, सी भी चाहिए। ठीक हो गया? ये सारे एक बैलेंस डाइट के मजमे में वो फूड इंटेक करेगा ताकि उसका खाने से सेहत भी अच्छा होगा और गर्म भी रहेगा। समझ लगी यहां तक? Yes, yes, sir. तो हम आज से बनाएंगे 19B सूप। 19B सूप के लिए ये सारी चीजें तैयार है और उसके लिए आप क्यूब भी कर सकते हो, डाइस में भी कर सकते हो, लेकिन हम जो ना इसको जूलियन कटिंग में कर लेंगे, राइट? Yes, sir. तो सबसे पहले चिकन वाला एंड वेजिटेबल वाला एंड बीफ वाला आप लोग इसको जूलियन कर लोगे, राइट? Yes, sir. आपने सिर्फ बाइट साइज प्राउन को 1/2 मतलब 1/2 में काट के तैयार करना है, राइट? Yes, तीसरे नंबर पे आपका है डेयरी प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट प्रोडक्ट सिर्फ बटर आपका इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक हो गया? हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये बटर का इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाइट चॉपिंग बोर्ड किस लिए होता है, राइट? तो इसके लिए हमने किया वो बाहर के इस सूप में इस बंदे का कोई किरदार नहीं होगा, बटर नहीं डलेगा, बाकी ये सारे चीजें डल जाएंगी इसमें। समझ लग रही है? ओके गाइस, हम शुरू करें। ओके स्टार्ट। टाइम अप। और ख्याल करना बॉडी मूवमेंट ज्यादा ना हो। कटिंग का एक तरीका होता है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल करना एक एक चीज का। ठीक हो गया? यस सर। बेटा कटिंग की एक तरीका होता है, कटिंग का तरीका सीखना लाजमी है। कटिंग बीफ वाला बिल्कुल गलत कट कर रहा है। अब बताएं इसको कैसे उतारा जाए? नहीं पता। बीफ को ऐसे ऐसे नहीं लगते, आपने एक हिस्से से स्टार्ट करनी है, इस हिस्से से
जो कि आपका ये पल्ला है, राइट? यस। आपने ये पल्ला साइड किया, साइड करने के बाद आपने इसको उल्टा देना है। क्या करना है? उल्टा देना। उल्टाने के बाद आपने सिर्फ एक पल्ला उतार देना है, जो कि छुरी आप टेढ़ा रखोगे और इसको इस तरह से पूरे खींच के निकालना है। ये एंड तक पूरा पल्ला निकल जाएगा, ठीक? ये पूरा पल्ला निकल गया, साफ हो गया। अब ये जो छोटे जो पल्ले रह गए, फिर इसको भले आप यूं इस स्टाइल से कर लो, क्योंकि सूप के अंदर इसके जो ना साइड्स नहीं आने चाहिए, ओके? इसको लीन मीट चाहिए। क्या चाहिए? लीन मीट, राइट? ऐसे। फिर ये जो है ना, इसको भी आपने ऐसे उतार देना, राइट? अब करके दिखा दो मुझे। अच्छा, अब मैंने देखो मेरे क्या हो गए, बीफ के हाथ गंदे हो गए। अब मैं दोबारा दूसरा चीज टच नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? क्रॉस कंटेमिनेशन होगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा अभी? मैंने बीफ धोया, अब मैं जाऊंगा सिंक पे। ये मैं सिंक पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे फौरन हाथ धो लूंगा और साबुन से प्रॉपर हाथ धो लूंगा। हाथ धोने के बाद ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए हाथ धोऊंगा, फिर मैं सेकंड काम स्टार्ट कर लूंगा, राइट? यस सर। मैंने अभी हाथ धो लिया, राइट? हाथ धोने के बाद मैं दूसरे काम के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं, ताकि मेरे हाथ बिल्कुल जो बीफ मैंने काटा था वो बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसके साथ चिकन भी काट सकता हूं, ठीक हो गया? या मैं इसके साथ वेजिटेबल भी काट सकता हूं। बेटा वेजिटेबल करूं मैं? यस सर। ओके, वेजिटेबल इसको पील नहीं करते, जुकीनी को पील करने का कोई तरीका नहीं बनता है, ठीक हो गया? यस सर। जुकीनी को पील करने की जरूरत नहीं है, राइट? आप पील ना करें इसको, आप बल्कि एक काम करें, आपने ये काटा, आपने साइड एक बटा फोर, ठीक हो गया? यस सर। और ये जो सेंटर जो पे जो सीड्स जो है ना, इसको ऐसे निकालना है, राइट? यस सर। सीड्स निकाला, फिर आपने इसको यूं जूलियन करना है। ये क्या हुआ? जूलियन कट हो गया। फिर आपने इसी तरह करना है। मेरे हाथ फिर से गंदे हो गए। मैं दोबारा जाऊंगा सिंक की तरफ, मैंने फिर धोना है। और ये आदत डालता हुआ जो ना हर टाइम आपने ये अपने ऊपर लागू करना है, ये लाजमी है। ये मेरे हाथ धोया, डन। अब मैं ठीक हूं, अब मैं कोई और काम कर सकता हूँ, राइट? मैं चिकन में कर सकता हूँ, मैं सी फूड की कटिंग कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अगर मैंने बीफ काटने के साथ ही सी फूड या चिकन में हाथ डाला तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस कंटेमिनेशन। जबरदस्त, गुड, फॉलो। ठीक हो गया। अभी आप लोग इस तरह से कटिंग कर लो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा 19 बी सूप कैसे बनाते हैं, राइट? यस सर। ओके गाइस, आप लोग मुझे जूलियन कटिंग कर दो, और ताकि मैं जूलियन कट करके मुझे दे दो, तो मैं इधर आपके सामने 19 बी सूप तैयार कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो बच्चों समझ लग गई है क्रॉस कंटेमिनेशन से कैसे बच जाते हैं? यस सर। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? कुक फूड किस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काटेंगे? जबरदस्त। कुक फूड के लिए हमने रखा हुआ है ब्राउन चॉपिंग बोर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास ब्राउन चॉपिंग बोर्ड, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ कुक फूड काटने के लिए। लेकिन अभी तो हम जो यहाँ पे जो रेसिपी बना रहे हैं, यहाँ कोई कुक फूड नहीं है, इसलिए हमने चॉपिंग बोर्ड को साइड पे रखा हुआ है, ठीक हो गया? अगर आपको इंडस्ट्री में कोई कुक फूड काटना हो तो आप क्या करोगे? ब्राउन चॉपिंग बोर्ड, ठीक हो गया? ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन से बच जाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी ने? किसी को क्वेश्चन है? ओके, यस जी बेटा। सर, जिस तरह क्रॉस कंटेमिनेशन का हमने पढ़ा था, तो अब ये जो तीनों मीट्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो सर इससे कोई जूलियस कोई नहीं होगी? मतलब
कैसे होगी सर? क्योंकि वो रेड मीट है, ये व्हाइट मीट है, हाँ हाँ, और ये सी फूड है। नहीं, अगर इसको कुक करेंगे साथ तो कोई नहीं, 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 नहीं। बहुत सारे डिशे हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, एक जहन बना हुआ है कि बीफ को चिकन के साथ, मटन को इसके साथ नहीं खाते हैं। शादी ब्याह में कितनी डिशे लगती है, हम खाते हैं सारे। yes, sir. होता है no, sir. सी फूड खाते हो? yes, sir. सी आइटम खाते हो? yes, sir. आइटम भी खाते हो? yes, sir. कुछ होता है? no, sir. So, हाँ, अब जो ना, चलो वो तो खैर अलग अलग खाते हैं, पकाने की मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिकन एक डिश होता है जिसको हम कहते हैं सर्फ एंड टर्फ। सर्फ किसे कहते हैं? समंदर के जाप को। टर्फ खुश्की। खुश्की और समंदर का मिक्स एक डिश बनती है जिसको हम सर्फ एंड टर्फ कहते हैं, जिसके अंदर मीट और सी फूड या बीफ स्टेक के साथ प्रॉन रखते हैं या